हाय फ्रेंड्स एट आवर चैनल लई आपनालोकक स्वागत। आज मैं एक वीडियो तो डिस्कशन करिम आज अहोमर विधानसभा 8 नम्बर कैबिनेट बैठक की गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत लैछिले और हे सिद्धांतखिनि आमार जिकोनो कम्पिटिटिव एग्जामर कारणे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हो जाबो पारे। गतिके हे गुरुत्वपूर्ण सिद्धांतखिनि मैं इयाते डिस्कशन करिम। फ्रेंड्स वीडियो तो आपनालोके हाफ लगे साबो तेतिया आपनालोके गोटेखिनि बस्तु गम पाबो। आज मीटिंग तो आमार अहोमर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा उपस्थित और लगते विभिन्न विभाग मंत्री लगते विभिन्न गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत लय और यह सिद्धांतखिनि अनाउंस करिसे आमार अहोमर शिक्षामंत्री रणोज पेगुए। गतिके फ्रेंड्स आहक आमि यह सिद्धांतपर डिस्कशन करू वन बाय वन। प्रथमते चाय लोक आपोनालोके आमार सर्वप्रथम सिद्धांत कि आसिल अल प्रोग्राम्स अफ द आसाम गवर्नमेंट विल बिगिन उथ द स्टेट सॉन्ग ओम और आपनर देश एंड कनक्लूड उथ द नेशनल एंथेम। इते कि कैसे जे आमार आज कैबिनेट बैठक सिद्धांत लैसे जे आजिर सरकारी जिकोनो सरकारी प्रोग्राम जेतिया एटा आरम्भनी हबो आरम्भनीत ओम और आपनर देश गीतेरे कि करा हबो आरम्भनी करा हबो आरु जेतिया प्रोग्राम तो शेष हबो आमार नेशनल एंथेम जनगण मन अधि कनक्लूड करते। इते और इम्पर्टेन्ट कथा कैसे जो प्रोग्राम कि है बेसिकली आम जब गेस्ट थके सीतक गामोसा आगबरवा है ओके एज ए रेसपेक्ट लगते कि चाह पानी व्यवस्था कर बैठक सिद्धांत लैसे जो जीवन गामोसा आगबरवा हम सभी ट्रेडिशनल हेण्ड उबेन हम लगे और इार मेन उद्देश्य हल जीवन सेल्फ हेल्प ग्रुप आसमर सीतक कि प्रमोट कर लगे ओके सीतक हेल्प कर लगे लगते कि एज ए चाह पानी हिसाब कि हम सीतक थलवा लाडू और पिठा आगबरवा हम ये हल आम सर्वप्रथम इम्पर्टेन्ट सिद्धांत। गति के फ्रेंड्स आज आम द्वित नम्बर इम्पर्टेन्ट सिद्धांत तो चाँव जे आमार देश प्रेमी तरुणराम फुकनर मृत्यु दिन तो 28 जुलाई कि कराबो प्रत्येक बसरे अहोमत देशभक्ति दिवस हिसाबे पालन करा हबो। आमार अहोमर देश प्रेमी तरुणराम फुकनर मृत्यु दिन तो 28 जुलाई कि करा हबो प्रत्येक बसरे अहोमत देशभक्ति दिवस हिसाबे कि कराबो पालन करा हबो। आरु लगते कैसे कि जे आमार अहोमर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलैर मृत्यु दिन तो जी आमार 5 अगस्त ये दिन तो कि सेलिब्रेट करा हबो एज ए कर्मचारी दिवस हिसाबे अहोमत प्रत्येक बसरे पालन करा हबो 5 अगस्त अहोमत। आरु लगते कि कैसे ये दिन तो 5 अगस्त प्रत्येक बसरे कर्मचारी दिवस कि करा हबो प्रत्येक जिलार पड़ा कि 5 जन बेस्ट एमप्लय सिलेक्ट करा हबो आरो गोटे अहोमर पड़ा बेस्ट 10 जन एमप्लय सिलेक्ट करा हबो आरो ए एमप्लय बिलाक कोनो टीचार्स बा गेजेटेड अफिसार नहय टीचार्स बा गेजेटेड अफिसारर बाहिरे जिबिलाक एमप्लय आसे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टर पड़ा 5 जन आरो अहोमर पड़ा 10 जन बेस्ट एमप्लय सिलेक्ट करा हबो आरो हिहत गवर्नमेंटर फालर पड़ा रिवार्ड दिया हबो। आई एम वेरी हैप्पी विथ दिस टू डिसिशंस। जदि आपोनालोक जदि ए सिद्धांत पड़ा भाल लागिसे प्लीज मोक कमेंट्स करि जनाबो। गतिके आहक आज आम 3 नम्बर सिद्धांत तो चाँव गवर्नमेंट एमप्लयीज विल हेव टू एवेल एन एनओसी आफ्टर क्लियरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हुईज हेव बीन पेंडिंग सिंस बिफोर जुलाई माहर आगलैक जो क्या सरकारी कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग आसेक इलेक्ट्रिसिटी बिल तो क्लियर करिबो कैसे लगते इलेक्ट्रिसिटी बिल दियार लगते कि करिबो कैसे एमप्लयीज बिलाकक सरकारी कर्मचारी बिलाकक एनओसी की करिबो कैसे इश्यू करिबो कैसे सो क्लियरिंग इलेक्ट्रिसिटी हुईज हेव बीन पेंडिंग सिंस बिफोर जुलाई एंड इट इज अल्सो मैंडेटरी टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रेगुलरली फ्रॉम अगस्ट और अगस्ट माने अहा माहर पर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करिबो लागिबो लगते कि कैसे हाउएवर नो एनओसी विल बी रेगुलरली अगस्ट एंड नो कंप्लेंस रिजल्टिंग इन सैलरी डिडक्शन हाउएवर नो एनओसी विल बी रिक्वायर्ड फॉर सैलरीज फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्ट ओके सो अगस्टर पर जेतिया रेगुलर की करा हबो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करिबो तेतिया आरो एनओसी ना लागे ओके। नेक्स्ट 4 नम्बर इम्पर्टेन्ट सिद्धांत तो चाओ आमी द कैबिनेट टुडे डिसाइडेड टू एक्सटेंड द स्टेट लेवल टेट पास सर्टिफिकेट्स वैलिडिटी फ्रॉम 7 इयर्स टू लाइफ हाउएवर ए पर्सन हू हैज पास द टेट सर्टिफिकेशन
will be able to apply for jobs by following the prescribed age limit in the case of government jobs. So, extension of TET certificates from 7 years to lifetime. A video to moi agote banaisilu jetia amar central government ki korisile declare korise je TET certificate to 7 bosor opora lifetime loki ki kora aise validity to extend kora aise. Friends jodi apnaloke hei video to suwa nai link description ot goi video to sabo pore. Gotike yate ki koise tate nirdesh korisil je prottekto rajyik sarkare ki koribo lagibe TET certificate to issue koribo lage. Okay. গতিকে সেম ডিসিশনস টু ইয়াতে কি কৰা হৈছে ডিক্লেয়ার কৰা হৈছে যে আজি আমাৰ অসমৰ কেবিনেটে ডিসিশন টো লৈছে যে টেট পাস সার্টিফিকেট জিবিলাক আছে হেই ভ্যালিডিটি টো কি কৰা হৈছে ইনক্রিজ কৰা হৈছে আগতে 7 বছৰ আছিল এতিয়া লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি থাকিব কিন্তু ইয়াতে এটা কথা কৈছে হাউএভার এ পারসন হু হ্যাজ পাস দা টেট সার্টিফিকেশন উইল বি এবল টু এপ্লাই ফর জবস অনলি ফর দা বাই দা ফলোইং প্রেসক্রাইবড এজ লিমিট ইন দা কেস অফ গভর্নমেন্ট জবস কিন্তু ইয়াতে এটা কথা কৈছে জিবিলাক ব্যক্তিয়ে কি কৰিছে টেট পাস কৰিছে টেট সার্টিফিকেট আছে কিন্তু এটা নির্দিষ্ট বয়স লাগে হিয়াতে কি কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু হেই নির্দিষ্ট উৰ্ধগামী বয়সটো যদি পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়াতে সরকারি চাকৰিত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে ওকে সো ফ্রেন্ডস আজি এইখিনি হল আমাৰ বহুত ইম্পর্টেন্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমাৰ অসম কেবিনেটে লৈছে যদি তথ্যখিনি আপোনালোকক ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্টস কৰি জনাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ গ্ৰেট ডে